अयोध्या राम मंदिर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मद्देनजर रखते हुए बदायूं के सीओ बिलसी ने कई गांवों का दौरा किया और नौजवानों से अपील की कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करे। सीओ साहब ने ग्रामों में पैदल मार्च किया और 12 वफात त्योहार की शुभकामनाएं दी। सर, आज खैरी ग्राम में आप मीटिंग ले रहे हैं, तो मीटिंग का क्या उद्देश्य है? सर, खैरी ग्राम मीटिंग लेने का यही उद्देश्य मेरा है कि 10 तारीख को मुस्लिम भाइयों का त्यौहार 12 वफात है, जो मुस्लिम भाई मनाते हैं, उसमें मैं यही चाहूँगा, गाँव वासियों से मेरी यही अपील है कि सभी लोग अमन चैन से त्यौहार मनावें, कहीं कोई गड़बड़ी न हो, कहीं कोई सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ने पावे। दूसरी चीज़ ये है कि निकट भविष्य में अयोध्या प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने वाला है, तो उसमें भी मेरे खैरी गांव में सभी ग्रामवासियों से अपील है, बल्कि क्षेत्रवासियों से अपील है कि हमारी जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति है, उसको अछूत बनाए रखें, कहीं कोई समस्या न हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने न पावें और माननीय न्यायालय के निर्णय को सभी लोग एक सिरे से स्वीकार करें और अमन चैन हमारा बना रहे।